मैं आपको अनुराग कहूँ या अनुराधा चौधरी कहूँ, और ये सफर कैसे रहा अनुराग से अनुराधा चौधरी तक? पुलिस डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी बेस्ट है, और उन्होंने, मैं रिवील नहीं करना चाहूंगी जो उनका काम है, उसको रिवील करना गलत होगा। आपने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया आपके लॉयर ने, उस वक्त क्या लग रहा था कि कोर्ट ये परमिशन ग्रांट कर देगी, ये मतलब आसान होगा ये ग्रांट करना और ये सब परफॉर्म कर? उन्होंने ये स्टेप एक क्रिमिनल के लिए नहीं लिया है, समाज के लिए लिया है। अनुराधा जी एक चीज बताइए, शादी के बाद तो पति पत्नी साथ में रहते हैं, आगे जो है वो पूरा दाम्पत्य जीवन चलता है, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि कुछ घंटों की पैरोल है। शादी जरूर हो रही है, लेकिन इसका मैं भविष्य आपसे पूछना चाहूँ तो क्या है? मीडिया ने कहा जैसे कि मुझे संदीप का दब्बूपन पसंद आया, ऐसा नहीं है। और फैमिली में कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ लोग खुश नहीं है। एक लड़की जो MBA गोल्ड मेडलिस्ट थी, जो आजकल लॉ की प्रैक्टिस कर रही है, कैसे वो लेडी डॉन बन गई, अब उसकी शादी काला जठेड़ी से हो रही है जो खुद गैंगस्टर है। मेरे साथ मौजूद है अनुराधा चौधरी उर्फ अनुराग। मैं आपको अनुराग कहूं या अनुराधा चौधरी कहूं, और ये सफर कैसे रहा अनुराग से अनुराधा चौधरी तक? अब तो मैं अनुराधा चौधरी ही हूँ, और सफर आसान तो बिल्कुल नहीं रहा है। और ये जो आइडेंटिटी है वो पुलिस डिपार्टमेंट की देन है और कुछ मीडिया की देन है, तो जिस वजह से भी आइडेंटिटी मिली, अब मैं इसको एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, तो आप मुझे अनुराधा कहें ज्यादा बेहतर है। अब आप ये बताइए कि शादी हो रही है संदीप उर्फ काला जठेड़ी से, ये शादी 12 तारीख को है, कुछ घंटों की कस्टडी पैरोल मिली है। पहले तो मैं जानना चाहूंगा गेस्ट जो लिस्ट है वो कितनी बड़ी है, गेस्ट कौन कौन है ये नहीं जानना चाहूंगा, गेस्ट लिस्ट कितनी बड़ी है और पुलिस की सिक्योरिटी किस तरह की है? 150-200 लोगों की गेस्ट लिस्ट है और मैक्सिमम 200, और पुलिस डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी बेस्ट है, और उन्होंने, मैं रिवील नहीं करना चाहूंगी जो उनका काम है, उसको रिवील करना गलत होगा। आपने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया आपके लॉयर ने, उस वक्त क्या लग रहा था कि कोर्ट ये परमिशन ग्रांट कर देगी, ये मतलब आसान होगा ये ग्रांट करना और ये सब परफॉर्म करना? फैक्ट तो ये है कि बिल्कुल नहीं लगा था कि वो हमें परमिशन देंगे, क्योंकि हर जज की ये मेंटेलिटी होती है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, कोई लेडी डॉन बोल रहा है, कोई गैंगस्टर बोल रहा है संदीप को, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो हमें लगा नहीं था कि वो अलाउ करेंगे, क्योंकि फैक्ट ये है कि जुडिशियल डिपार्टमेंट भी मीडिया ट्रायल से घबराता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं या फिर कुछ ऐसे जजेस हैं जो कि बोल्डली स्टेप लेते हैं समाज के लिए, और उन्होंने ये स्टेप एक क्रिमिनल के लिए नहीं लिया है, समाज के लिए लिया है, ताकि लोग क्रिमिनल जो बन चुके हैं वो दोबारा से समाज में आ चुके आ सके, तो मुझे लगता है कि काफी बोल्ड स्टेप था उनका, दीपक वासन साहब का, जिन्होंने हमें ये पैरोल दी है, और तो उस टाइम तो हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि ये हो पाएगा। दूसरा, मैं ये मानती हूँ कि जो हमारे एडवोकेट हैं रोहित दलाल जी, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया है, उन्होंने, वो हमारे रिलेटिव हैं, तो उन्होंने हमेशा रिलेशन की वजह से मजबूरी में हमारे केसेस किए, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें लीगली मॉरली सपोर्ट किया, तो उनके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन अनुराधा जी एक चीज बताइए, शादी के बाद तो पति पत्नी साथ में रहते हैं, आगे जो है वो पूरा दाम्पत्य जीवन चलता है, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि कुछ घंटों की पैरोल है। शादी जरूर हो रही है, लेकिन इसका मैं भविष्य आपसे पूछना चाहूँ तो क्या है? देखिए, पॉजिटिव सोच के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, समाज में आ रहे हैं, और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी संदीप को बेल मिलेगी, कभी तो मिलेगी, तो मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी, तो फ्यूचर तो नॉर्मल है, कोई खास या अलग बात नहीं है कि संदीप जेल में है और मैं यहाँ हूँ, बहुत सी ऐसी सिचुएशन रही है समाज में नॉर्मल कपल की, जैसे हस्बैंड बाहर कमाने जाता है या वो फौजी है, तो वो लोग भी तो ये सब चीजें डील करते हैं, तो नॉर्मल है हमारे लिए, कोई इशू नहीं है ये। शादी जो है वो 12 तारीख की है, गृह प्रवेश का कोई खास मकसद था? गृह प्रवेश के लिए भी परमिशन आपने ली, उसको भी एक्सेप्ट किया कोर्ट ने? हाँ, एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ वासन साहब की। ये कारण है संदीप की माँ, उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा
इस घर में दोबारा कदम रखे अपनी बीवी के साथ में, और जो संस्कार या रीति रिवाज जो एक माँ निभाती है तिलक करके या आरती करके, वो भी वो करें, उनकी इच्छा थी। क्योंकि शादी तो देखिए होगी, तो उस दौरान पुलिस कस्टडी या इन सब चीजों के साथ में जो भी होगा जल्दी जल्दी होगा, लेकिन कम से कम यहाँ पे जो आरती वगैरह उनकी माँ करेंगी और जो कुछ रिचुअल्स वो निभाएंगी, तो इससे उनको सुकून मिलेगा। और उनकी जो ख्वाहिश है कि भाई बेटे का घर बसे या फिर वो दोबारा लौटे और घर में आए उनके साथ रहे, तो उसकी थोड़ी सी शुरुआत भी होगी। और ये उनकी मदर की वजह से हमने परमिशन ली है। इस प्यार का मैं जानना चाहूंगी, प्यार कब आप दोनों में जो है, आप दोनों इकट्ठे हुए, आपको लगा कि अब ये सही वक्त है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, ये कैसे संभव हो पाया सारी चीजें? हम लोग हालत की वजह से मिले थे, और उसके बाद में हम लोगों ने काफी लंबी बात और काफी सारी चीजें शेयर की, वो हमारा संघर्ष रहा हो या फिर सिचुएशन रही हो, हमने जब शेयर की तो हमें लगा कि हमें शादी करनी चाहिए, हम आगे का सफर एक साथ तय कर सकते हैं। क्योंकि उनकी लाइफ में भी संघर्ष है, मेरी लाइफ में भी संघर्ष है, दूसरा हमारे बीच में अटैचमेंट है, लगाव है, मुझे उनसे लगाव है, उनके थॉट्स, उनके विचार और बोल्डनेस की वजह से। अक्सर मैंने सुना है कि मीडिया ने कहा जैसे कि मुझे संदीप का दब्बूपन पसंद आया, ऐसा नहीं है, दब्बूपन जैसा कुछ है नहीं संदीप में। संदीप वो इंसान है जो मुंह पे ऑफिसर को भी कुछ भी कह सकते हैं, सच किसी के भी सामने बोल सकते हैं, और ये हिम्मत और ये जज्बा हर किसी में नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे पसंद आया। पहले आपकी मुलाकात हुई थी और किन हालातों में मुलाकात हुई थी? करीब 3-3.5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, और संदीप भी एक केस में एब्सकॉन्ड थे और मैं भी, तो उस दौरान हम लोग मिले थे। मैं आपको लेडी डॉन कहूं या नहीं कहूं, आप ये खुद बताइए, क्या आपने कोई आज तक जो इतने सारे मुकदमे आपके ऊपर हुए, पहले तो मैं मुकदमे जानना चाहूंगा कितने हैं, और जो मुकदमे हुए क्या आपके हिसाब से सही मुकदमे या गलत है? 19-20 मुकदमे बाकी होंगे, और सही है या गलत है ये चीज बोलना तो गलत होगा, क्योंकि वो अंडर ट्रायल है और ये सब चीजें कोर्ट को तय करने दीजिए, ये उनका ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें मेरे ख्याल से हमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन आपका अपना पर्सपेक्टिव तो होगा ना कि मुझे गलत पुलिस ने फंसाया या मेरे ऊपर गलत मुकदमा दर्ज किया। हाँ, लेकिन वो चीज मैं यहाँ पब्लिक में बोलने के बजाय कोर्ट में बोलना ज्यादा पसंद करूंगी। शुरुआत अगर मैं बात करूं, मैंने आपकी बारे में पढ़ रहा था, कहते ना बदमाश कई बार पुलिस बनाती है, कुछ ऐसे अपराधी जो है वो पुलिस पैदा करती है, तो क्या ये कहावत यहाँ भी सटीक बिल्कुल सिद्ध होती है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, आप पुलिस के पास गए, आपकी पुलिस ने सुनी नहीं, तो आज आप यहाँ पहुंच गए? हाँ, बिल्कुल सही है, और ये बात एकदम फैक्ट है, सटीक है कि जो अपराधी बनते हैं काफी सारे, जो वो पुलिस बनाती है, अगर वो सही तरीके से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे तो मुझे नहीं लगता कि काफी सारे लोग जो अपराध की दुनिया में आते हैं वो आएंगे। तो आप ये बताइए, लेडी डॉन आप हो या ये एक तमगा मीडिया का दिया हुआ है या पुलिस का दिया गया है, और ये आपको पसंद है नाम लेडी डॉन या नहीं? ये नाम मुझे ना तो पसंद है ना बुरा लगता है, नॉर्मल चीज है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतनी बार सुन चुकी हूँ। और रही बात डॉन की, तो हर एक वो औरत डॉन है जिसकी इज्जत पे आ चाहे या जिसकी फैमिली पे आ चाहे, तो कोई भी औरत डॉन बन जाती है, वो डॉन ही होती है, बस उस पे अगर दिक्कत आती है तो वो रूप तब सामने आता है। तो मैं अकेली डॉन नहीं हूँ, हर औरत करीब करीब डॉन ही होती है, अगर अपने बच्चे को डांट रही है, फटकार रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, उसको पढ़ाने लिखाने के लिए, तो वो भी डॉन ही है। आपकी पहले भी जो है वो अपने मंदिर में भी शादी की है संदीप से, अब आप एक तरह से कहा जाए ऑफिशियली जो है वो शादी को इसका रूप दे रहे हो, 6 घंटे की इसमें पैरोल मिली है, आपको लगता है इतना वक्त सटीक है आपके सारे जो हिंदू रीति रिवाज के आधार पर जो शादी हो रही है? हाँ, सफिशियंट है, काफी सारे जो रीति रिवाज है हमने उनको बीच में से हटा दिया है, और जितना टाइम मिला है उसमें जितने भी हम रीति रिवाज कर सकते हैं उनको हमने रखा है, तो 6 घंटे बहुत है हमारे लिए। ये बहुत पर्सनल सवाल है, आप चाहे तो जवाब दीजिएगा, चाहे तो आप नहीं दीजिएगा। आपके परिवार को ये बात पता है जो राजस्थान में, और वो इस बात से खुश हैं, या आपने जरूरी नहीं समझा उनको बताना? नहीं, उनको अच्छे से पता है,
कि मैं शादी कर रही हूँ और फैमिली में कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ लोग खुश नहीं है। सच तो ये है, कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग नहीं है, लेकिन पता है, मैंने बताया है, मैंने कभी कुछ भी छुपाया नहीं है और ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं अपने इस फैसले को लेके शर्मिंदा नहीं हूँ कि मैं इसको छुपाऊं और ना बताऊं, तो उनको पता है इस बारे में। केसेस की अगर बात करूं तो आपने कहा कि मैं बेल, आप खुद भी वकालत लॉ कर रही हैं आप, ऐसे में आने वाले वक्त में आप खुद असिस्ट करेंगी काला जठेड़ी को, संदीप को, या आपको लगता है कि भी वकीलों का ही काम है, मैं सिर्फ असिस्ट ही करूंगी उनको सिर्फ? नहीं, वजह ये नहीं है कि मैं सिर्फ असिस्ट करूंगी। जो हमारे एडवोकेट हैं तो वो बेस्ट है, जैसे रोहित दलाल जी हैं, तो जिन्होंने हमें शादी की परमिशन दिलाई, वो हमारे दूर परे के रिलेटिव हैं और उन्होंने हमारे केस डील करने के लिए फीस वीस भी हम लोग नहीं दे पाए या जो भी चीजें रही हैं उन्होंने जैसे भी किया मैनेज और मॉरली सपोर्ट किया। तो जैसे ये शादी की परमिशन दिलाना कोई आसान बात नहीं था, काफी चैलेंजिंग ये था। आप देखिए कि एक परमिशन मिलते ही आज 6-7 दिन हो रखे हैं और मीडिया और डिपार्टमेंट कितना हल्ला मच रहा है, तो उस एडवोकेट ने कितना स्ट्रगल किया होगा ये डिसीजन हासिल करने के लिए और कितना हार्ड वर्क किया होगा, आप सोच सकते हैं। और रही बात मेरी डील करने की, तो मुझे लगता है कि वो लोग बेस्ट है, मैं उनको असिस्ट करना चाहूंगी। और हम लोगों की टीम जो है कोर्ट में बढ़िया कमाल दिखाएगी। आपकी हिस्ट्री जानना चाहूँ, आनंद पाल से आपका पहले, आपको पुलिस ने सहयोग नहीं किया, उसके बाद आप आनंद पाल से आपकी मुलाकात होना, और फिर ये आरोप ही कहूंगा क्योंकि आपने इसको खंडन किया है, लिव इन रिलेशनशिप वाली तमाम बातें, सच क्या है, सच बताइए। सच ये है कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आनंद पाल सिंह जेल से बाहर रहे, उस दौरान मैं भी जेल से बाहर थी। और ये लिव इन वाली बात पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से पुलिस की बनाई हुई है। और कुछ लोगों ने पता नहीं किस किस तरीके की अफवाहें उड़ाई और कुछ ऐसी एजेंसियां भी हैं जिसका मुझे अफसोस है कि इस बात को ट्रस्ट करती है। कोई भी एविडेंस नहीं है, विटनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसको ट्रस्ट करती है जो कि गलत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई लिविन जैसा छोड़िए, इस तरीके की कोई थॉट भी नहीं रही है, सोच भी नहीं रही है, तो गलत है पूरी तरीके से ये चीजें। आपने काफी लंबा वक्त जेल के अंदर भी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अनुराधा जी, कि जेलों में आपका सफर रहा, कई जगह कई जेलों में आप रहे, काफी वक्त रहे, ऐसे में इस बात का अफसोस है कि एक तो गलत मुकदमा, जैसे आपका कहना है कि कई जगह गलत मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बावजूद जेल में आपको जाना पड़ा, तो ये ऐसे सरकमस्टांस थे जिससे आप जो है अपराध की तरफ, आपने कहा कि नहीं अब मुझे गलत फंसाया तो मैं इसका बदला लूंगी, अब मैं सही करके दिखाऊंगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बदले जैसी चीजें तो मेरे दिमाग में नहीं रही है, फिलहाल तो नहीं है, पहले रही हूँ तो कह नहीं सकती हूँ। और हाँ, जेल जाना पड़ा, एलिगेशन है तो जेल भी जाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जेल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और अगर मैं जेल नहीं गई होती तो शायद बहुत सारी चीजें सीख नहीं पाती, इतना बोल्ड नहीं हो पाती। तो जेल को तो मैं अपने लिए एक ये कह सकते हैं प्रोफेशनल डिग्री की तरह मैं मानती हूँ। कैसे, क्या सीखा आपने? काफी सारी चीजें मैंने वहां सीखी। आपको लो पता होना चाहिए, आप कैसे लोगों से डील करते हैं, किस टाइप के लोग होते हैं, और काफी सारी चीजें सीखी मैंने। डिपार्टमेंट से कैसे डील किया जाता है और डिपार्टमेंट में किस तरीके की चीजें होती हैं और उनसे कैसे फाइट करें, बहुत कुछ सीखा मैंने वहां से। काला के ऊपर मैं जानना चाहूंगा, संदीप के ऊपर टोटल कितने केसेस हैं, और आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में उनको जो है बेल मिले, हाँ, उनपे करीब 40 के आसपास केस होंगे और ट्रायल फेस करेंगे, कोशिश करेंगे, तो बेल कभी न कभी तो मिलेगी ही उन्हें। ये उम्मीद आपको कैसे कि मिलेगी मिलेगी, क्योंकि कई हीनियस क्राइम भी है, तो ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि ऐसे मकोका जैसे अगर एलिगेशन लगे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपराधी के लिए। देखिए, अभी तो एलिगेशन है, ट्रायल फेस करेंगे, ये हम जानते हैं कि वो सच है या गलत है, तो हम कोर्ट में पेश करेंगे एविडेंस कि हमारे साथ क्या हुआ या हमने किया या नहीं किया। और फिर उसके बाद में अगर कोर्ट तय करता है तो
उसके बाद में आगे की चीजें देखी जाएंगी। तो अभी तो ये चीजें अभी कहना बहुत जल्दी होगा। 2021 में आपको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया था, जब आप भी साथ में थी संदीप के, वो थोड़ा वाकया बताइए, कितने वक्त से आप साथ में थी और क्या एक्सपीरियंस था उसका? हम लोग करीब 10 महीने से साथ थे और एक्सपीरियंस तो कैसा रहा होगा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में। नॉर्मल दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ने कभी भी हमारे साथ में, एटलीस्ट संदीप और मेरे साथ में, तो कभी बदतमीजी या फैब्रिकेटेड केस ये सब चीजें या धमकी या कुछ और चीजें ऐसा नहीं किया। तो नॉर्मल था कि भाई एलिगेशन है तो अरेस्ट तो होना ही है, तो नॉर्मल। तो कौन सी पुलिस ने बदतमीजी और सब चीजें करी? नहीं, बदतमीजी तो नहीं, लेकिन जैसे कुछ फैब्रिकेटेड केस या इस तरीके की चीजें राजस्थान पुलिस ने की है, यहाँ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ कभी। ने उसी को लेके कोर्ट में मूव किया। मैं अभी आपके संदीप के घर है जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर सीसीटीवी भी लग रहा है, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार पहले सीसीटीवी दिखाएं जो पूरा आप जो है, इसकी क्या वजह पड़ी सीसीटीवी लगवाने की, ताकि पता लगे कि कौन? इसकी वजह ये है कि अगर कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो हमें पता रहे, हम उसको देख सके और हम पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सके, कॉल कर सके। तो ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए, आज के टाइम में तो हर कोई सीसीटीवी कैमरा लगाता है, तो ये बस प्रोटेक्शन। शादी को लेकर एक तरफ जहां पर पुलिस भी रहेगी, तमाम गेस्ट भी रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ एक ये भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर एक डर भी है, राइवल गैंग शायद कुछ ऐसी गलत हरकत ना करे। डर किसमें? आप बताइए, इतने सारे इंटरव्यू देखे होंगे आपने या इतने सारे स्टेटमेंट या कुछ भी, पुलिस डिपार्टमेंट से भी आपने बात की होगी, आपको किसके अंदर डर नजर आया? अपने अपने लेवल पर पुलिस डिपार्टमेंट भी इस बात को लेकर कंसर्न, कहूंगा डर नहीं कहूंगा, कंसर्न जरूर है कि कोई अनहोनी किसी भी इवेंट पर ना हो, और ऑब्वियसली जो आपका भी है, आपका भी यही मंशा रहेगी कि कोई इस तरह की कोई बात ना हो, लेकिन डर आपके अंदर है नहीं है तो आप ही बताओ। नहीं, डर कुछ नहीं है, और कंसर्न तो हर शादी में माँ बाप का भी रहता है, रिलेटिव्स की का भी रहता है कि आराम से शांति से शादी संपन्न हो जाए। तो नहीं, कंसर्न जो है डिपार्टमेंट का हो या हमारा हो, नॉर्मल है। संदीप से आपने बोला कि जो आपकी जान पहचान संदीप से हुई थी वो थोड़ी इस तरह से थी कि आपको उनके विचार पसंद आए थे उस वक्त जब आप साथ में थे, और ये भी तमाम इस चीज को भी आप क्लियर कीजिए कि ये जो आरोप लगते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से कोई रिश्ता है, क्योंकि जो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की उसमें संदीप उर्फ काला जठेड़ी को ये कहा कि वो एक तरह से बिग अम्ब्रेला, अगर लॉरेंस है तो उसकी छोटी छोटी छत्रियां ये सारे गैंग्स हैं, ये सब मिल गए एक साथ। नहीं, एनआईए की चार्जशीट में तो ये कहा गया है कि जो बिग अम्ब्रेला है वो संदीप है, और ये जो छोटी छोटी छत्रियां हैं ये बाकी के लोग हैं, जो मुझे एनआईए ने कहा और जो चार्जशीट में है। लेकिन उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की, जो लोगों से पूछा, उनके सामने जिस तरीके के फैक्ट आए तो उन्होंने सिर्फ वो रखे हैं, और जो फैक्ट है हमारे पास में मौजूद है वो हम समय आने पे पेश करेंगे कि फैक्ट क्या चीज है। और जो ये कहा जाता है एक साथ है या एक चीज है, ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। हर आदमी का अपना अपना सिद्धांत, अपना रास्ता, अपनी सोच, अपनी मंजिल होती है। तो संदीप की एक अलग सोच है, अलग सिद्धांत है, अलग बातें हैं, अलग चीजें हैं, तो कहीं भी कंपेयर करना भी गलत है और साथ रखना भी गलत है। तो मतलब ये आपका कहना है कि लॉरेंस से कोई, क्या आप लॉरेंस को जानते हैं, कभी मुलाकात हुई है संदीप को, आपको लगता है कभी मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी कभी लॉरेंस से न तो मुलाकात हुई है और न कभी बात हुई है, और संदीप की मुलाकात हुई हो तो मुझे पता नहीं, और अगर हुई होगी बाय चांस तो वो सिर्फ कस्टडी के दौरान हुई होगी। मैं भी पीछे द्वारका कोर्ट भी गया था, वहां पर संदीप को जब पेश किया जा रहा था तो बहुत हाई रिस्क प्रिजनर की तरह कंसीडर किया जाता है, और काफी सुरक्षा का मतलब करीबन 50 से 60 वहां पुलिसकर्मी मौजूद रहे होंगे, और कोर्ट में एकदम पूरा था लाव लश्कर के साथ। ऐसे में ऑब्वियसली जब पेश किया जाएगा शादी के लिए, यानी कस्टडी पैरोल में जब लाएंगे 12 तारीख को, तो उस वक्त भी इतनी पुलिस रहेगी और उस वक्त भी जो एक लाव लश्कर होगा पुलिस का वो रहेगा?
हाँ उससे कहीं ज्यादा होंगी पुलिस जो है, लेकिन वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो संदीप जिस मोटो से बाहर आ रहे हैं वो है शादी करना, तो पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, वो साथ पुलिस रहेगी। की और तरफ से कोई हिदायत भी दी आप लोगों को कि आप ऐसे रहे, आप इस तरह से करना कुछ? कुछ चीजें हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई है या डिस्कशन हुआ है उसको हम रिवील नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीजन से। आनंद पाल पर आऊंगा। जब आपने बताया जब आप जुड़े, तमाम आपके ऊपर केसेस राजस्थान में लगे, जो मेनली आपके ऊपर केसेस लगे वो कहाँ, राजस्थान के हैं या और स्टेट्स के भी कुछ हैं, ये मैं जानना नहीं, चाहूंगा। सिर्फ राजस्थान के हैं मेरे ऊपर। राजस्थान के। जी संदीप के ऊपर अगर मैं जानना चाहूं, जो केसेस हैं सिर्फ दिल्ली में हैं या और हरियाणा, इसके अलावा और तमाम जगहों पर हैं केसेस? संदीप पे जो केसेस हैं वो हरियाणा और दिल्ली में हैं। मेनली जो सारे हाँ जी केसेस हैं। मेनली वही है मैक्सिमम। कई केसेस ऐसे हैं जिसमें संदीप के ऊपर सीधा एलिगेशन है कि उसने थ्रेट किया और डराया धमकाया, इस बारे में कोई आपको, आप कुछ बोलना चाहेंगी कि ये भी फैब्रिकेटेड है या ये सही है कुछ इस तरह, या आप यही बोलेंगे अंडर ट्रायल केस अभी? नहीं, वो तो बात है कि हम अंडर ट्रायल हैं, हम जो भी चीजें हैं जो एविडेंस है या फैक्ट है जो हमारे पास है वो हम कोर्ट में रखेंगे। और डराया धमकाया और इस तरीके की जो चीजें, ये एलिगेशन है, कोई भी वेपन के साथ पकड़ा जाता है या कोई भी वैसा बंदा पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस डिपार्टमेंट की ये काला जठेड़ी का बंदा है, वो सिर्फ नेम फेम के चक्कर में इस तरीके की चीजें होती है। लेकिन बाद में पता चलता है जब हम कोर्ट में जाते हैं, संदीप की काफी सारे केस डिस्चार्ज भी हुए, संदीप को कस्टडी में लेके आते हैं, रिमांड पे लाते हैं और फिर उसके बाद में वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो फेयर ट्रायल भी हुआ है संदीप के साथ में। फैब्रिकेटेड केस भी हुए हैं, फेयर ट्रायल भी हुआ है, दोनों चीजें हुई है। तो ये चीज तो हम वैसे तो कोर्ट में ही रखेंगे, लेकिन बाकी जो है वो गलत है ये चीज। मुझे बताइए, लास्ट टाइम आपकी संदीप से कब बातचीत हुई थी और क्या बातचीत हुई थी, अगर आप बताना चाहें तो? हाँ संदीप से एस्टडी कॉल से मेरी बात होती है और लास्ट टाइम काफी टाइम हो गया है उनको कॉल किए हुए, और बस नॉर्मल जो फैमिली की बात होती है सेम वही चीजें रहती है हमारे बीच में भी, केस को लेके या फिर घर परिवार की सुरक्षा या फैमिली की हेल्थ या मेरी हेल्थ, बस इस तरीके की नॉर्मल बातें होती हैं। समाज में ये तमगा मिल गया है कि आपको लेडी डॉन कहा जाता है, संदीप को गैंगस्टर कहा जाता है, तो ये बातें आपको चुभती हैं, बुरी लगती है, सही लगती है, नॉर्मल आप बिहेव करते हैं? अब तो चीजें नॉर्मल हो गई, इतना सुन चुके हैं, इतना लोग बोल चुके हैं, लिख चुके हैं कि अब चीजें तो फील होना बंद हो गई है। नॉर्मल एक नाम है, हम इस चीज को इससे ज्यादा कुछ न तो मानते हैं न समझते हैं, पर नॉर्मल है हमारे लिए ये चीजें। उम्मीद है कि संदीप कभी बाहर आएगा, क्योंकि इतने सारे केसेस हैं, आपको लगता है कि कभी मतलब बेल होगी या कानून जो है थोड़ा सा नरमी बरतेगा? जरूर होगी, कानून नरमी बरतेगा, इस बारे में मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इस बारे में कह सकती हूँ कि कानून न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा। मीडिया ट्रायल के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, तो मुझे बिल्कुल यकीन है, उम्मीद नहीं यकीन है कि संदीप बेल आउट होंगे। इस बात को लेकर आपको मन में टीस है कि मीडिया ने, या ये कहा जाए कि पुलिस ने बहुत ज्यादा कई बार केसेस लाद दिया, आपका आरोप है जैसे लाद दिए केसेस, ऐसा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल हुआ है, और मैं और संदीप पहले और अकेले आदमी नहीं है जिनके साथ में ये हुआ है। अब बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। तो आपका कहना है कि आपके ऊपर और संदीप के ऊपर एक भी मुकदमा जो है, जितने भी मुकदमे हैं वो सारे के सारे गलत हैं, कोई मुकदमा सही नहीं है? कह सकते हैं आप ये बात कि बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें सजा या फिर हम पे एलिगेशन किसी को सपोर्ट करने की वजह से लगे हैं, मिली है सजा कि हमने किसी को सपोर्ट किया जिसके साथ अन्याय हो रहा था, तो उस बात की ये सजा है कि आप पे केसेस एंड एलिगेशन ये सब चीजें, और बाकी हम कोर्ट में प्रूव करेंगे कि सही है या गलत है, जो भी है देन फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। चलिए, आपने हमसे बहुत डिटेल में बात की, मुझे लगता है कि शायद आपको लग रहा है कि कोई अगर क्वेश्चन ऐसा रह गया है जो आप कुछ और बोलना चाहें। नहीं जी शुक्रिया।